शुरू हो गई है नीट और JEE की तैयारी, अगर नहीं तो शामिल हो जाएं द नॉलेज गेट, वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक कोचिंग इंस्टीट्यूट इन मुंब्रा कौसा, अफोर्डेबल फीस के साथ। सेपरेट बैचेस फॉर गर्ल्स, ऑडियो वीडियो रूम, डिजिटल सिलेबस और लाइब्रेरी। 8-12 कॉमर्स एंड साइंस। इसके अलावा IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। यू डिजर्व द बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन, तो आज ही इनरोल करें द नॉलेज गेट इंस्टीट्यूट में। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टेक। मुंब्रा के ठाकुरपाड़ा में बर्थडे पार्टी मनाने के दौरान दो लोगों ने मिलकर उदय कजम नाम के शख्स के धारदार हथियार से हमला करके उसकी हत्या कर दिया है। घटना रात के समय में हुई है। DCP गणेश गावड़े ने बताया है कि 7 से 8 लोग मिलकर बर्थडे पार्टी मना रहे थे। इसी दौरान दो लोग सिद्धेश शेटके और संकेत शेटके से उदय कदम का किसी बात को लेकर विवाद हो गया और दोनों ने मिलकर उदय कदम पर हथियार से हमला कर दिया। घायल अवस्था में उदय कदम को अस्पताल पहुंचाया गया मगर उसकी मौत हो गई है। मुंब्रा पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे की जांच भी की जा रही है। ये पूरी घटना मुंब्रा के ठाकुरपाड़ा में नाले के पास रात के समय हुआ है। वहां पर अवैध कैरम क्लब चलाया जाता है और वहीं नाले के बगल में ही लगकर अवैध शराब का अड्डा भी है जो रात भर धड़ल्ले से चलाया जाता है और यहीं पर इमारत की दीवार से लगकर एक पतरे का शेड डाला गया है। अक्सर इसी शेड के नीचे बैठकर बर्थडे पार्टी, दारू पार्टी चलती रहती है। इसी तरह से यहां रात के समय बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी और विवाद होने पर उदय कदम की हत्या कर दी गई है। हालांकि दोनों आरोपियों में से एक आरोपी ने बताया जा रहा है कि खुद पैर पर अपने वार करके ये घायल हो गया है और इसका भी इलाज किया जा रहा है। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि अवैध कैरम क्लब और अवैध दारू के अड्डे जो यहाँ पर चल रहे हैं इससे वो काफ़ी परेशान हैं। इस पूरी हत्या में शामिल दोनों आरोपी सिद्धेश सिंडके और संकेत सिंडके को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे मामले की जांच जारी है और इस पूरे घटना को लेकर DCP गणेश गावड़े ने क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। सर, रात के समय मुंब्रा के ठाकुरपाड़ा एरिया में कुछ मर्डर की घटना हुई है, क्या वजह से मर्डर हुआ है सर और कुछ आरोपी पकड़े गए हैं, कितने लोग? कल रात 8 अप्रैल 2023 को रात तकरीबन 1 बजे के आसपास ठाकुरपाड़ा गाजी टावर के पास एक 7-8 दोस्त बर्थडे की पार्टी वहाँ पे कर रहे थे। वो बर्थडे पार्टी के लिए वो बाहर ही बैठकर दारू पी रहे थे। दारू पीते समय उदय कदम इसके साथ सिद्धू शेलके और संकेत शेलके इनका झगड़ा हुआ और झगड़े में संकेत शेलके और सिद्धू शेलके ये दोनों ने मिलकर, दोनों भाई है, इन्होंने मिलकर उदय कदम का मर्डर किया। सर, झगड़े का कारण? झगड़े का कारण तो बहुत बड़ा नहीं था, दारू पिए थे। दारू पीते समय उनका नॉमिनल कुछ तो इसकी वजह से झगड़ा बड़ा कारण। आरोपी हो, दो आरोपी अरेस्ट किए हैं, सिद्धू शेलके और संकेत शेलके, और जो जिनका मर्डर हुआ उदय कदम और संकेत शेलके, ये दोनों आरोपी के ऊपर इसके पहले भी एक गुना दाखिल है। दोनों एक ही गुने में दोनों आरोपी हैं। सर, जिस एरिया में यहाँ पर ये घटना हुई है वहाँ पर एक कैरम क्लब है और पास में ही एक दारू का अड्डा है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि रात के समय जो है काफ़ी तकलीफ होती है, यहाँ पर हुड़दंग करते हैं, एक पतरे का शेड लगा हुआ है, वहीं पर ये घटना हुई है। तो ऐसे में रात के समय जो वहाँ पर चालू रहता है तो इसमें कुछ कार्रवाई वगैरह? बिल्कुल, उसमें जो बीट मार्शल्स वहाँ पे है उनकी भी इंक्वायरी होगी इसके साथ में और इसके बाद वहाँ पे लोग बैठेंगे नहीं, इसके बारे में हमें इंश्योर करेंगे। कोई अगर बैठता है तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन पुलिस की तरफ से लिया जाए। यस, हम पेट्रोलिंग के लिए वो पॉइंट बढ़ाने वाले हैं और स्थानीय लोगों को भी यही सूचना है पुलिस की तरफ से, अगर वहाँ पे कोई दारू पीने बैठता है या कैरम क्लब के नाम पे कोई इलीगल एक्टिविटी करता है तो उसके बारे में 112 नंबर पर उन्होंने कॉल करके बताना चाहिए। इमीडिएटली हमारी पुलिस मदद वहाँ पे पहुँचेगी और उन लोगों को उठाकर जो लीगल एक्शन है वो लीगल एक्शन लिया जाएगा।